चलो नेक्स्ट, खुद सॉल्व करो फॉर ए ट्रांजिस्टर एक्शन। अगर एक हमारे पास ट्रांजिस्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रांजिस्टर के लिए सही है, एक एक पढ़ो। द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थीन एंड लाइटली डॉप्ड। जब ट्रांजिस्टर बनता है, ये जो ट्रांजिस्टर है, चलो ये मैं ले लेता हूँ एक ट्रांजिस्टर, ये रहा मेरा ट्रांजिस्टर, मान लो मैंने NPN ले लिया और यही लिया जाता है ज़्यादा, ठीक है, और ये प्रीफर किया जाता है, हमेशा याद रखो ये N है और ये P है और ये AN है, तो इसको हम बोलते हैं इमीटर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हम कलेक्टर। तो ऑब्वियसली द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थीन, तो बेस रीजन थीन होता ही है और लाइटली डॉप्ड होता है, लाइटली डॉप्ड, तो पहला ऑप्शन ही सही है। ये कहाँ से मुझे पूछा था, मुझे सपने नहीं आए थे यार, ठीक है, ये मैं पढ़ा, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसको ये बात पता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है कि बेस रीजन को थीन रखा जाता है, इसको क्योंकि इमीटर का काम होता है चार्ज कैरियर को इमीट करना और कलेक्टर का काम होता है चार्ज कैरियर को कलेक्ट करना। अब यहाँ से बहुत सारे चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन जो आएंगे, समझ रहे हो ना, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये कलेक्टर के पास आएंगे और इधर जो आउटपुट वाली सर्किट है उसमें करंट फ्लो होगी। अब अगर इसको थीन नहीं रखते हो तो थीक कर देते हो, मान लो इसकी थीकनेस बढ़ा देते हो यार, ये जो बेस है इसकी थीकनेस बढ़ा देते हो और ऐसे कर देते हो, ऐसे नया ट्रांजिस्टर बना देते हो NPN, तो अब क्या होगा यार, अब ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसकी थिकनेस बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को जाने में क्या होगा यार, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब उसको जाने में दिक्कत होगी चार्ज कैरियर से, यहाँ करंट की वैल्यू क्या होगी, कम मिलेगी यार। और अगर हाईली डॉप कर दो, लाइटनिंग हाईली डॉप कर दो, हाईली डॉप मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो पी टाइप के जो होल्स हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन अगर मैं होल्स की संख्या यहाँ बढ़ा दूंगा, होल्स जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं लाइटली डॉप है, अगर मैं उनकी संख्या बढ़ा दूंगा तो समझना यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे प्यारे बच्चों, वो ये सारे के सारे खा जाएंगे यार, समझ रहे हो ना, अगर ज़्यादा होंगे 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले और यहाँ से 200 डॉपिंग कर दिए, 200 होल डाल दिए, तो 100 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ सब कंबाइंड करके ख़त्म कर देंगे, इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, इधर करंट जीरो मिलेगा, अरे भाई इधर भी तो करंट चाहिए कलेक्टर में, इधर फ्लो कराना कि नहीं कराना है, तो यहाँ से ऐसा करते हैं कि इधर ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिले, बेस करंट कम हो तो यहाँ डॉपिंग कम करेंगे तभी तो इधर ज़्यादा करंट मिलेंगे, अगर इधर डॉपिंग कर देंगे तो इधर सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, सारा का सारा इसके कंबाइन करके न्यूट्रलाइज कर देगा, ख़त्म हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ये बेस इमीटर कलेक्टर शुड हैव सेम डॉपिंग कॉन्सेंट्रेशन, बेस इमीटर कलेक्टर शुड हैव सेम डॉपिंग, ये बिल्कुल गलत है, डॉपिंग जो कॉन्सेंट्रेशन होती है सबसे ज़्यादा डॉपिंग कॉन्सेंट्रेशन, समझ लो डॉपिंग, इसको समझ, डॉपिंग का सबसे ज़्यादा डॉपिंग इमीटर की होती है, इमीटर की डॉपिंग सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद कलेक्टर की डॉपिंग होती है और उसके बाद बेस की डॉपिंग होती है, तो ये डॉपिंग का अरेंजमेंट इस टाइप से। चलो बेस इमीटर कलेक्टर रीजन हैव सेम साइज, ये भी बिल्कुल गलत है, साइज सेम नहीं होता भाई, ये सबसे थीन होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है, इसका एरिया सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा मतलब कितना सारा यार, बहुत मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे तो यहाँ हीट वगैरह जनरेट होता है, तो उस हीट को एक्सपेंड मतलब उस ये एरिया हम बढ़ा के उसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं और ये कलेक्ट करता है ना चार्ज करिए, तो इसकी एरिया ज़्यादा होती है, इसकी विड्थ ज़्यादा होती है, ये तो कुल मिला के अगर एरिया वाइज अगर विड्थ देखोगे तो सबसे ज़्यादा विड्थ किसका होता है, कलेक्टर का, उसके बाद सबसे ज़्यादा विड्थ किसका होगा, इमीटर का, सबसे थीन कौन होगा, बेस होगा, तो ये क्या है, ये विड्थ रेशियो है और ये डॉपिंग का, ये विड्थ का अरेंजमेंट है और ये डॉपिंग का है, बोथ इमीटर कलेक्टर, ये भी बिल्कुल गलत बात है, तो आई होप कि मज़ा आ गया होगा आपको समझ के, चलो।